हाय फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट राज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आवाज़ फाइनेंशियल्स लिमिटेड के बारे में। इसकी संपूर्ण डिटेल्स एवं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में हम जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका एनएससी में सिंबल है वो आवाज़ है। फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है जो होम फाइनेंसिंग का काम करती है। मिड कैप स्टॉक है ये और 24,108 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में इसकी रैंक है वो 200 है और मॉडरेट रिस्क स्टॉक है ये, जो निफ्टी से 2.48 गुना ज़्यादा वोलेटाइल है। और अभी इसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो 3,054.40 पर चल रही है। फ्रेंड्स, अब हम इसके कंपनी प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं। देखिए, आवाज़ फाइनेंशियल्स इज ए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग होम लोन टू द कस्टमर बिलोंगिंग टू लो एंड मिडिल इनकम स्टेटमेंट इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो फ्रेंड्स, यह कम तथा बहुत कम इनकम पर भी होम फाइनेंस कम कर देती है और यह मेन रूप से ग्रामीण इलाकों और सेमी ग्रामीण इलाकों में काम करती है। और यह मकान और घर निर्माण में जो लोन की ज़रूरत होती है उस में यह काम करती है और हाउसिंग फाइनेंस का यह काम करती है। इसके मेन ब्रांड्स हैं वो आवाज़ फाइनेंशियल्स हैं और यह एक मिड कैप कंपनी है। अब हम फ्रेंड्स इसके फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, तो हम इसके 4 सालों के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में जानेंगे। देखिए, 2018 में इसका रेवेन्यू था वो 0.49 हज़ार करोड़ था। 2019 में बढ़कर 0.71 हज़ार करोड़ हो गया और 2020 में और बढ़ गया और बढ़कर 0.90 हज़ार करोड़ हो गया। 2021 में यह और बढ़ गया और 1.11 हज़ार करोड़ हो गया। यानी लगातार 4 सालों से इसके रेवेन्यू में बहुत ही तगड़ी ग्रोथ देखी गई है। अब हम इसके प्रॉफिट के बारे में जाने, तो इसका प्रॉफिट 2018 में 0.09 हज़ार करोड़ था। 2019 में डबल बढ़कर 0.18 हज़ार करोड़ हो गया। 2020 में भी यह बढ़ा है और बढ़कर 0.25 हज़ार करोड़ हो गया और 2021 में यह और बढ़ गया और बढ़कर यह 0.29 हज़ार करोड़ हो गया। यानी इसके प्रॉफिट में भी लगातार चारों सालों से तेज़ी देखी गई है और रेवेन्यू में तो तगड़ी तेज़ी देखी गई है। तो कंपनी बहुत ही ग्रोथ मेकर कंपनी है और आगे भी यह इस प्रकार से ग्रोथ करती रहेगी, क्योंकि होम फाइनेंस का काम बढ़ता ही जा रहा है और आगे यह बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग मजबूत और फाइनेंशियल रिजल्ट घोषित करेगी। अब हम फ्रेंड्स आगे इसके मैक्सिमम जर्नी के बारे में जान लेते हैं। शेयर ने अब तक कैसे क्या परफॉर्मेंस किया उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अक्टूबर 2018 में इसकी लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग के बाद से शेयर में तेज़ी देखी गई है, क्योंकि होम फाइनेंस का इसका कारोबार बढ़ता ही चला गया और कोरोना के कारण इसमें थोड़ी मंदी देखी गई थी। मंदी के बाद से शेयर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है और अभी तक ये बुलिश ट्रेंड में ही चल रहा है और ये हाई बनाया है वो इसी वीक में इसने हाई बनाया है। और अब हम इसके बारे में और देखते हैं, तो इसने मैक्सिमम जो रिटर्न दिया है वो 294.45% का रिटर्न दिया है और 612.25 का इसने लो बनाया था, 3340 का इसने हाई बनाया था। तो हाई इसी वीक में बनाया इसने, यह इसका मैक्सिमम चार्ट प्रदर्शित है। अब हम इसके 5 साल के चार्ट के बारे में देखें, तो फ्रेंड्स 5 साल का चार्ट भी वही खुलेगा, क्योंकि शेयर को लिस्ट हुए भी 4 साल हुए हैं। तो अब हम इसके 1 साल के चार्ट के बारे में देख लेते हैं। देखिए, 1 साल का इसका चार्ट खुल गया है। 1 साल में इसने 52.99% का रिटर्न दिया है, लगभग 53% का रिटर्न दिया है और 1942.45 का इसने लो बनाया था, 3340 का इसने हाई बनाया था। तो फ्रेंड्स, ये इसका 1 साल का ग्राफ है। और अब हम इसके 1 मंथ के ग्राफ के बारे में बात करते हैं, देखते हैं कि 1 मंथ में कितना क्या रिटर्न दिया है। तो 1 मंथ में इसने 10.67% का रिटर्न दिया है, 2325.30 का इसने लो बनाया था और 3340 का इसने हाई बनाया है। तो फ्रेंड्स, लगभग 1000 की रेंज में इस शेयर ने ट्रेड किया है। और अब हम इसके 1 वीक के चार्ट के बारे में देखें, तो हम जानते हैं कि इसने 5.79% का इसने 1 वीक में अटेंड दिया है और 2834 का इसने लो बनाया था 1 वीक में और 3340 का इसने 1 वीक में हाई बनाया है। यानी 1 वीक में ही इसका मैक्सिमम हाई बनाया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम जो तेज़ी देखी गई है वो इसी वीक में तेज़ी देखी गई है। अब हम इसके 1 डेली चार्ट के बारे में देख लेते हैं। यह इसका डेली चार्ट खुल गया है, जिसमें यह बताया गया है कि शेयर ने अपने उच्चतम स्तर से 4.38% की मंदी दिखाई है। मंदी के पीछे मेन कारण यही है कि इसका फाइनेंशियल रिजल्ट घोषित हुआ था और फाइनेंशियल रिजल्ट इसका अच्छा आया था, पर इन्वेस्टर के अनुमान से थोड़ा कम आया था, क्योंकि शेयर ने जितना पहले जिस हिसाब से इसका फाइनेंशियल रिजल्ट आया था उससे थोड़ा कम आया है। पर प्रॉफिट में उछाल ही देखा गया है, तो आगे भी इसका फाइनेंशियल रिजल्ट और सुधरेगा तो बहुत तेज़ी से शेयर भाग सकता है। तो आप इस पर नज़रें बनाए रखें। 1 वीक का इसका लो है वो 3024.10 है और 3185 का इसने हाई बनाया था।
जो कि मैक्सिमम हाई था, यानी शेयर अभी भी बुलिश ट्रेंड में ही है। फाइनेंशियल रिजल्ट की वजह से थोड़ा शेयर क्रिप्टो के नीचे आया है, पर आप इस पर नज़रें बनाए रखें। आगे अब हम इसके पीयर्स कंपनियों के बारे में जान लेते हैं। देखिए हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस, इसका पी रेशो भी 24.19 पर चल रहा है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इसका पी रेशो 7.92 पर चल रहा है, यानी बहुत ही सस्ते दामों पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस उपलब्ध है। और आगे हम बात करते हैं एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, तो इसका पी रेशो 68.85 पर चल रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का पी रेशो है वो 8 पर चल रहा है, यानी यह भी बहुत ही सस्ते दामों पर उपलब्ध है। और कैन फिन होम लिमिटेड के बारे में बात करते हैं, तो इसका पी रेशो 18.75 पर चल रहा है। तो फ्रेंड्स, यह कंपनी अभी भी बहुत ही महंगे दामों पर उपलब्ध है, तो आप अगर यह शेयर गिरता है तो आप इसमें फ्रेश खरीदारी कर सकते हो। अब हम फ्रेंड्स इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए इसमें टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो 39.21% है, म्यूचुअल फंड की इसमें होल्डिंग 4.66% है, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की होल्डिंग इसमें 5.33% है। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ने भी अच्छी खरीदारी कर रखी है, और फॉरेन इंस्टीट्यूट की होल्डिंग इसमें 40.05% है, रिटेल एंड अदर्स की इसमें 10.75% है। तो फ्रेंड्स, इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूट ने बहुत ही बड़ा विश्वास इस पर रखा है और 40.05% की हिस्सेदारी खरीद रखी है। इतनी हिस्सेदारी इसके प्रमोटर की भी नहीं है जितनी इनकी है। तो फ्रेंड्स, कंपनी बहुत ही अच्छी है, इसलिए फॉरेन इंस्टीट्यूट ने भी इसमें पैसा लगा रखा है। और इसका यह फाइनेंशियल रिजल्ट थोड़ा मतलब ख़राब नहीं आया है, पर इन्वेस्टरों के मुताबिक थोड़ा और बढ़िया आना चाहिए था, थोड़ा कम बढ़िया आया है। तो अभी थोड़ा शेयर गिरा है, अगर थोड़ा बहुत और गिरता है और पी रेशो और नीचे आता है तो आप इसमें फ्रेश खरीदारी और कर सकते हो। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा दबा दें।